हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं स्टफ पराठा। आलू का वेजिटेबल सब डाल के और गेहूं के आटे में स्टफिंग करके और चावल के आटे का भी हम बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप भी घर पे बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्टफ पराठा बनाने के लिए हमने ले लिया है मटर और गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, जितनी भी सब्जियां हों आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो अब हम इसमें कढ़ाई में तेल डालते हैं। तो देखिए मेरा तेल एकदम गर्म हो गया है। अब इसमें ये लहसुन की कुछ कलियां, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, धनिया ये सब डालते हैं। सबसे पहले तो लहसुन थोड़ा डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। अब ये डालेंगे इसको सब्जियां, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, ये सब डाल के इसको चलाते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा काला नमक। सफेद नमक स्वाद अनुसार थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाते हैं। ये देखिए मेरा सब्जी सारा पक गया है। अब इसमें डालते हैं आलू, उबला हुआ 2 से 3 आलू ले लिए हैं और इसको अच्छे से मैश करेंगे। थोड़ा आलू हमने भून के पहले से रखा हुआ था, तो सब मिला के करीब 6 से 7 आलू हैं, उबला हुआ और भुना हुआ दोनों। तो अब ये दोनों को सब अच्छे से मिक्स करते हैं। जीरा में हमने आलू को फ्राई कर लिया था, भून लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालते हैं, थोड़ा गरम मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ी कूटी हुई लाल मिर्च, ये सब डाल के अच्छे से चलाते हैं तो अच्छे से भून जाए। देखिए दोस्तों, मेरा ये आलू अच्छे से भुन गया है। देखिए इसके नीचे ऐसे कढ़ाई में लगने लगे तो इसका मतलब अच्छे से ये भुन गया है। तो इसको हम खाली करते हैं। इसी में हमने प्याज जो काट के रखा हुआ था, ऊपर से प्याज डालिए तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अदरक डाल दिए हैं और धनिया, ढेर सारा धनिया। अब इसको मिलाते हैं, मिला के इसको ठंडा करते हैं। खूब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसका स्टफ बनाया जाए। ये देखिए हमने 1 कटोरी चावल का आटा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसमें ये गर्म पानी से इसको आटा को गूंथेंगे। और जरा सॉफ्ट ही लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आटा होना चाहिए, खूब सॉफ्ट रहना चाहिए। इसी तरीके से हमने गेहूं का भी आटा ले लिया है 2 कटोरी, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। इस तरीके से इसको भी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, मुलायम आटा गूंथ के तैयार करेंगे इसको। अब इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं दोनों आटा को। ये गेहूं के आटा का पहले हमने इस तरीके से बड़ा लोई तैयार कर लिया
फिर थोड़ा सा बेलन की हेल्प से इस तरीके से करेंगे। फिर इसमें ये आलू का जो स्टफ बनाए हुए हैं तो उसमें खूब ज़्यादा ऐसे भरेंगे इस तरीके से, देखें ऐसे दबाते हुए इस लोई के अंदर इसको पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए ये हो गया, तो ये बर्तन में थोड़ा सा लगा के आटा लगा के इस तरीके से इसे पुश करेंगे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, तो बस हल्के हाथ से बेलन घुमाएंगे इस तरीके से। देखिए अब इससे थोड़ा सा बेल लिए हैं, अब इसके ऊपर ये कलौजी डालेंगे जिसको हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं, तो इसको ऐसे हल्का सा दबाते हुए ऐसे घुमा देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा घूम गया, अब हम इसको पराठा को रखते हैं इसे। ये देखिए चावल के आटा का है, जो हमने चावल का आटा लगा के रखा हुआ था, तो इसको भी इस तरीके से दो लोई ऐसे तैयार कर लीजिए और फिर इसको इस तरीके से भरिए। देखिए ये अच्छे से भरना चाहिए, ये रहा अच्छे से भर गया, चारों तरफ ऐसे फैला दीजिए। फिर उसके बाद ये लोई उल्टा करके ऐसे रख दीजिए, फिर बर्तन की सहायता से पूरा बर्तन लगाइए। इसको भी हाथ से ही थोड़ा दबाते हुए पुश करते हुए इस तरीके से बना लीजिए घुमाते हुए, फिर उसके बाद हल्का सा बेलन से चला दीजिए। बस हो गया, ये देखिए हमारा चावल का पराठा स्टफ पराठा बन गया। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर घर पे बनाइए। घी से इसको सेकिए या तो सरसों के तेल में सेकिए, दोनों तरीके से सिक जाता है, और सरसों का तेल का तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, पर हमने ये रिफाइंड ऑयल लगाया है। ये मेरा तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और ये हमारा पराठा गर्मा गर्म तैयार हो गया। अब ये चावल के आटा वाला भी है, तो इसमें मंगरेल थोड़ा सा ऊपर से लगा देते हैं, इसको हल्का सा दबा देंगे। देखिए दोस्तों इसी तरीके से हमने चावल के आटे का भी पराठा इस तरीके से बना लिया है। इस तरीके से दोनों साइड से खूब अच्छे से सेकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा ये पराठा चावल का अच्छे से सिक गया है। अब हम गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। देखिए मेरा आलू का पराठा और चावल के आटे का पराठा। तो देखिए दोस्तों मेरा आलू का स्टफ ये पराठा बनके तैयार हो गया, तो हमने कटर से कट कर दिया है, और ये चावल का है और ये गेहूं के आटे का है। दोनों पराठा हमारा रेडी हो गया है, अब बटर लगा के अब गर्मा गर्म सर्व करिए।